आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का सिवनी जिला और जिला मुख्यालय सिवनी अपने आप में यहाँ जो भी हो रहा है अजूबों से कम नहीं। प्रदेश में भाजपा सरकार है, देश में भाजपा सरकार है, सिवनी नगर पालिका परिषद कांग्रेस शासित है, इसके बाद भी सिवनी में क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये जो वाहन टूटा हुआ आपको दिख रहा है, किसी और ने नहीं, आवारा मवेशियों के आपस में लड़ाई के कारण ये वाहन टूटे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे वाहन खड़े हुए हैं और इन वाहनों को तहस नहस किया है आवारा मवेशियों ने। यह वाहन पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जिला कलेक्टर चाहे भरत यादव रहे हों, गोपाल राड रहे हों, धनराजू एस रहे हों, प्रवीण सिंह हड़ायच रहे हों या वर्तमान जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल, सभी बहुत कड़े निर्देश लगातार जारी करते रहे हैं, पर इन निर्देशों का पालन किस तरह किया जा रहा है अभी हम आपको दिखाते हैं। सिवनी में आवारा मवेशियों का आतंक जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आवारा सांड घूम रहे हैं जो लोगों को घायल कर रहे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये नज़ारा है एसपी बंगले से सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के घर होते हुए विधायक दिनेश राय के घर को जाने वाली सड़क का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक दिनेश राय के घर के करीब का ये नज़ारा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए वाहन किस तरह से टूटा हुआ यहाँ पड़ा हुआ दिख रहा होगा। वास्तव में बहुत दुख की बात है। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, प्रदेश में भाजपा सरकार है, पर कोई भी कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो सांड लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, किस कदर इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और यहाँ ये वीडियो किसी के द्वारा बनाकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को भेजा गया है। देखिए किस तरह यहाँ पर ये सांड लड़ रहे हैं, वर्चस्व की जंग चल रही है विधायक दिनेश राय के घर के करीब में। ये देखिए यहाँ पर वाहनों को ऊपर चढ़ते हुए उन्हें तहस नहस करते हुए, और जो वीडियो बना रहे सज्जन हैं वे भी, ये देखिए ये वाहन के ऊपर ये कूद कर एक सांड निकला। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नगर मंडल अध्यक्ष संजय सोनी अभिषेक दुबे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। विधायक दिनेश राय आप भी देखें, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप देखें, आपके घर के सामने वाली सड़क पर ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। लोगों को घायल कर रहे हैं आवारा मवेशी। यदि मोटरसाइकिल ये स्कूटी आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, इसका भोगमान कौन भोगेगा? इसमें जो टूट फूट हुई होगी उस टूट फूट के लिए जवाबदेह कौन होगा? नगर पालिका परिषद से ये सारी राशि वसूली जानी चाहिए। विधायक दिनेश राय, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप स्वयं देखें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एसपी बंगले से इरिगेशन कॉलोनी, अपर बनगंगा कॉलोनी जाने वाले मार्ग की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर सिटीजन रिपोर्टिंग के तहत समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये वीडियोस भेजे गए हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। नगर पालिका परिषद सिर्फ निर्माण और खरीदी में ही ध्यान दे रही है। दलसागर तालाब की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। 50-60 सालों में कभी भी दलसागर इस तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद यहाँ पर काम कर रही है, और उसे खुली छूट दी गई है, ऐसा नागरिकों का आरोप है कि खुली छूट कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद को दी गई है। भाजपा के पार्षद भी अपने जबड़े भींचे हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, दो सांड लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद इसे देखें।
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी इसे देखें किस तरह से ये यहाँ पर दो सांड लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सांडों का आतंक पूरे बारापत्तर में कहर बरपा रहा है, लोगों को चोट पहुंचा रहा है, वाहनों को चोट पहुंचा रहा है, पर देखने सुनने की फुर्सत शायद ही किसी हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।